अस्सलामुअलैकुम सोहेब यार, जो आज की हमारी वीडियो है वो थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो है, क्योंकि सिर्फ हाइलाइट्स इंडिकेट करनी है और अभी मैं एक प्रोजेक्ट डिलीवर करने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये BMW का रेप्लिका है, जो कि हमने पहले भी इसमें कावासाकी निंजा का इंजन लगाया था। अभी सेम प्रोजेक्ट में हमने इनलाइन 4 डाला है, लेकिन उसमें हमने चेसिस में थोड़ी वर्किंग करी है प्रॉपरली, और उसमें इंजन ऐसा बिठाया है कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसा कि अभी ये हमारा एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, इसमें हमने KTM ड्यूक सिंगल साइडेड और फ्रंट सस्पेंशन KTM का WP का और बनैली की बॉडी किट है। ये GS का फ्रेम है, अभी इस पर वर्किंग चल रही है। और ये जो प्रोजेक्ट है BMW रेप्लिका, इसमें जो हमने इंजन लगाया है ये इनलाइन 4, अभी इसकी बॉडी किट वगैरह लगेगी, बैंड वगैरह क्रोम हो गए, ये कलर हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी वीडियो बना रहा हूँ उसकी। मैं यहाँ से हमने देखें इंजन इस पोजीशन से बिठाया कि जो रेप्लिका का अपना फ्रेम आता है उसका ये फाउंडेशन ने यूज़ किया है। एक नीचे का हमने एक्सटेंड किया है थोड़ा, पिछला रिम वगैरह टायर वगैरह सब वही है चेसिस में, ऊपर से कोई काट पीट नहीं है, सब ओरिजिनल स्टॉक है। यहाँ पर हमने इसको जो जैसे ओरिजिनल बाइक्स में आता है, यहाँ पे जो फाउंडेशन लगता है यहाँ से लेके यहाँ तक, बस मेन फाउंडेशन इसका ये है फ्रंट का, जो कि रॉक सॉलिड करके हमने बनाया है। इसका रेडिएटर आ गया ड्यूल स्लॉट कॉपर, और कार्बेटर वही PZ32 के जो मैं यूज़ करता हूँ, परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट हैं, बेहतरीन है ये। और उस तरफ से दिखाता हूँ मैं, तो ये दूसरा फाउंडेशन है इसका मेन। बाकी चैन इसमें 525 की आ गई गोल्डन, पिछला स्पॉकेट हमने बड़ा कर दिया 46 टीथ का। बाकी रिम वही चाइना वाला ही है जो 150 के टायर पे आता है। वायरिंग चार्जिंग ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट, स्टार्टिंग बिल्कुल ओके की रिपोर्ट पे। ये मीटर मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं, इससे ये है कि इसमें आपको वाटर टेम्परेचर, बैटरी वोल्टेज, क्योंकि जो इस मीटर का अपना वाटर टेम्परेचर है उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी अलग होती है, ये सेंसर के साथ आता है तो एक्यूरेट बताता है। बेहतरीन। अभी टैंक नहीं है इसलिए पेट्रोल ख़त्म हो गया, बाकी अभी इसकी बॉडी किट लगाते हैं, फिर इसका साउंड वाउंड सुना के इसको डिलीवर करते हैं इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह से बाइक कंप्लीट हो गई है और बड़ा ज़बरदस्त लुक है इसका, बस मार खाती इंजन पे, इंजन इसमें हमने 4 सिलेंडर डाल दिया माशाल्लाह से। इसका साउंड सुनाता हूँ अभी आपको, Yeah।
माशाल्लाह से हम पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आसिफ भाई? शुक्र अल्लाह का। तो बाइक अभी ले आए हैं माशाल्लाह से, इसका टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है, 36 माशाल्लाह, हैंडलिंग वगैरह सही है माशाल्लाह से। ओके की रिपोर्ट है बाइक। माशाल्लाह से अभी ये मोटरसाइकिल हमारी एप्टाबाद जा रही है, सक्सेसफुली यहाँ पे डिलीवर हो गई है माशाल्लाह से। अभी फजील भाई इसको चलाएंगे और इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं अकेला ही आया हूँ क्योंकि आज है 21वां रोज़ा, रमज़ान चल रहा है और गर्मी बड़ी ज़बरदस्त हुई भी है और लू चल रही है, और बाकायदा इसलिए भूखों में साथ नहीं लाया। मैं कहा चलो बाइक डिलीवर करके बाइक कार वापस चला जाऊँगा कि वो फिर चक्कर ना पड़ता है। तो अभी मैंने नया प्लान किया, मैं कहा चलो बाइक डिलीवर करते हैं यहाँ से, फिर बाइक कार वापस चले जाते हैं। अबू मैंने कहा अभी गर्मी वगैरह हो रही है, रोज़ा भी है, तो लेट्स व्हाई। हाँ मेरा वहाँ पे फजील कह रहा हूँ, फजील रिसीवर, ठीक फजील, फजील। सो उम्मीद आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी। सो होप यू लाइक अवर वीडियो, कीप सब्सक्राइब अवर चैनल। ईद मुबारक इन एडवांस, ओवर एंड आउट। अस्सलाम वालेकुम, ये प्रोजेक्ट तैमूर भाई ने मुझे डिलीवर किया है। इसमें उन्होंने 400 सीसी सीबीआर इंजन स्वाइप किया है, 4 सिलेंडर, और एक हफ्ते से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और वंडरफुल परफॉर्मेंस। उन्होंने इसके स्टॉक फाउंडेशन के ऊपर सारा इंजन बिल्ड किया है, कोई भी फ्रेम में मॉडिफिकेशन नहीं की, और बाइक में सबसे अच्छी बात 0 वाइब्रेशन है बाइक में। और एक हफ्ते से मैं इसको बहुत हैवी थ्रॉटल के साथ यूज़ कर रहा हूँ, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, और बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट। उन्होंने हर चीज़ इसकी बहुत रेयर पॉकेट्स, चेन, हर चीज़ की उन्होंने ना बेहतरीन क्वालिटी इसमें यूज़ की है, जिससे बाइक की परफॉर्मेंस, इन्होंने इंजन के वॉल्स वगैरह बहुत प्यारे एडजस्ट किए हैं, हर तरीके से बाइक का साउंड परफॉर्मेंस 10/10, मज़ा आ गया। और इंशाल्लाह सुन तैमूर भाई हम एक और प्रोजेक्ट भी करेंगे, लव योर वर्क। मैंने एप्टाबाद से बाइक उनको डिलीवर किया सिर्फ इस वजह से कि उनके रिव्यूज़, उनका काम मैंने कभी नहीं देखा किसी और बंदे का, इतने अच्छे तरीके से एक बाइक को बिल्ट करना, उसकी छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखना, और मज़ा आ गया भाई। बस ये है, थोड़ा टाइम लग गया है प्रोजेक्ट में, तैमूर भाई थोड़ा टाइम ले लेते हैं, पर वो आपको ना टाइम वर्थ इट होता है। सो 10/10 भाई, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला।